कॉम्बिनेशन चेक करें जरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एफएनए प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आज इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस मूवी का नाम है अचार्या, ठीक है जी, बाप बेटे का कॉम्बिनेशन। बहुत आला ये एक मूवी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। चिरंजीवी जी और उनके साहबजादे वन एंड ओनली रामचरण। तो कास्ट के बारे में भी मैं बताऊंगा और इस मूवी के थीम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और स्टोरी भी बताऊंगा। इस ये मूवी रिलीज़ कब हो रही है सारी डिटेल शेयर करूंगा, ठीक है जी। ट्रेलर को स्टार्ट करते हैं, आप भी हमारे साथ इस ट्रेलर को वॉच करें। अगर ये मूवी अच्छी लगे, अगर ये ट्रेलर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य वनमुख वैपु तीर्थ जलमुख वैपु जंगल में शूटिंग नडुम पादगट्टम। लैंग्वेज इसमें इसकी जो है ना तेलुगु में है, तो हिंदी में भी बस आने वाला है इसका ट्रेलर। కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అమ్మోర్ తల్లి మీద భారం వేసి బిక్కు బిక్కుమని ఉంటామేమో అని పొరపడి ఉండొచ్చు, ఆపద వస్తే ఆ అమ్మోర్ తల్లే మాలో ఆవాహించి ముందుకు పంపుద్ది, ధర్మస్థలి అధర్మస్థలి ఎలా అవుతుంది? పాదఘట్టం కుండెల మీద మోపిన కాళ్ళు ఇంకా చచ్చుబడిపోకుండా ఉన్నాయంటే ఇంకా ఏం చూడాలనుకుంటుందోనయ్య మహాతల్లి? ఓ అంచి తో नाज़रीन, इसकी स्टोरी में आपको साथ शेयर कर दूं। जो चिरंजीवी है ना, वो इस मूवी में अचार्या का किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है जी। वो एक समाजी पर्सन होते हैं, ठीक है जी। समाजी पर्सन से वो फिर अचार्या के किरदार में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं नाज़रीन, ये जो मुख्तलिफ मजहबी मकामात होते हैं, एक अदारे हर मुल्क में मौजूद होते हैं। बिल्कुल, ये जो करप्शन है ये एक माफिया सा बन चुका है मजहबी मकामात पर। ये करप्शन हर मजहब में ही तकरीबन देखने में मिलती है। बिल्कुल, और ये भी मूवी इसी के गिर्द घूमती है और इस करप्शन के खिलाफ एक जंग है। तो इसका थीम ये है, ठीक है जी। अचार्या का किरदार जो चिरंजीवी अदा करें, वो फिर ये जो करप्शन करते हैं ना मुख्तलिफ मजहबी ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके खिलाफ फिर वो जंग का आगाज़ करते हैं। तो ये इसका थीम है। इसमें विलन का किरदार अदा कर रहे हैं, आपने नाम तो सुना होगा, वन एंड ओनली सोनू सूद, ठीक है जी। और एक्ट्रेस में अगर बात करें तो एक्ट्रेस में जो मेन रोल है वो है जनाब पूजा हेज और साथ काजल अग्रवाल हैं, ठीक है। आगे देख, हाँ जी, सोनू सूद किरदार अदा कर रहे हैं, वो विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। बाद घटना वाला गुंडल में काले स्ते కాలు తీసేయాలట, కాకపోతే అది ఏ కాలా అని ఊళ్ళోకొచ్చి ఒకిద్దరు ముక్కు మొహం తెలియని నా కొడుకుల్ని కొట్టి ఏదో చేసేసాను అనుకుంటున్నావా? వచ్చానని చెప్పాలనుకున్నా, కానీ చెయ్యటం మొదలు పెడితే కామ్రేడ్ కంబినేషన్ చెక్ కరే జరా, क्या बात है, बहुत अच्छी मूवी है जनाब। अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में देखें, एंजॉय करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और मूवी के रिलीज डेट मैं आपको बताता चलूँ, 29 अप्रैल 2022, ठीक है, 2022 में मूवी रिलीज होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।